साल 2020 से यानी कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद से ही तो 2022 में बॉलीवुड की बहुत सारी फिल्में रिलीज हुई, लेकिन सारी की सारी फ्लॉप ही रही। गिन चुर कर 3-4 फिल्में चली हैं। साउथ की जो फिल्में हैं, पंजाबी सिनेमा की फिल्में, मराठी और गुजराती की, ये फिल्में भी अपने आप में ब्लॉकबस्टर साबित हो रही है, लेकिन बॉलीवुड का हाल बहुत ही ज्यादा बुरा है। तो आइए कुछ गिनाते हैं फिल्मों के नाम जो कि कितनी कमाई कर चुकी हैं और कितने बजट में बनी है। अब देखिए, केजीएफ चैप्टर 2 कन्नड़ा भाषा की वो फिल्म है जिसमें रॉकिंग स्टार यश ने काम किया था। 100 करोड़ के बजट में बनी थी और इसने कमा लिए हैं 1207 करोड़ रुपए। ट्रिपल आर तेलुगु सिनेमा का वो गौरवमयी फिल्म जिसने 550 करोड़ रुपए का बजट लगाया था और कमा लिए है 1115 करोड़ रुपए। पोनियन सेल्वन 1 यानी कि PS1 तमिल सिनेमा की ये फिल्म है, 250 करोड़ रुपए में बनी थी और कमा लिए है 475 करोड़ रुपए। द कश्मीर फाइल्स बॉलीवुड की फिल्म है, हिंदी भाषा की फिल्म है, 20 करोड़ में बनी थी और कमा लिए है 341 करोड़ रुपए। कांतारा लगभग 16 करोड़ रुपए के बजट में बनी एक कन्नड़ा फिल्म है, पूरी दुनिया में अब तक 325 करोड़ रुपए कमा सकी है और अभी भी आगे बढ़ रही है। विक्रम तमिल भाषा की फिल्म है, लगभग 120 करोड़ रुपए के बजट में बनी और वर्ल्ड वाइड कलेक्शन जो है वो 414 करोड़ रुपए का है। बॉलीवुड की फिल्म है भूल भुलैया 2, अक्षय कुमार को इस फिल्म से बाहर कर दिया गया था और उसकी जगह पर जो आए उन्होंने बेहतरीन काम किया। अब इस फिल्म ने 80 करोड़ बजट लगाए थे और कमाए हैं इसने 266 करोड़। कार्तिकेय 2 तेलुगु भाषा की फिल्म है, 15 करोड़ में बनी, 118 करोड़ रुपए कमा लिए। 777 चार्ली कन्नड़ा भाषा की एक और बेहतरीन फिल्म, 15 करोड़ रुपए में बनी है और वर्ल्ड वाइड जो कलेक्शन है इसका 103 करोड़ रुपए है। तमिल भाषा की एक और फिल्म डॉन 25 करोड़ में बनी है और पूरी दुनिया में इसने 114 करोड़ रुपए कमा लिए। तिरुचित्रम्बलम तमिल भाषा की फिल्म है, 35 करोड़ में बनी है, 118 करोड़ रुपए कमा लिए। सीतारामम तेलुगु भाषा की फिल्म है, 25 करोड़ में बनी है, 93 करोड़ रुपए कमा लिए। बिंबिसार तेलुगु भाषा की फिल्म है, 30 करोड़ में बनी है और 65 करोड़ रुपए कमा लिए। भीष्म पर्व मलयालम फिल्म है, 15 करोड़ में बनी है, 83 करोड़ रुपए कमा लिए। पावन खिंड मराठी भाषा की फिल्म है, 10 करोड़ में बनी है और 40 करोड़ रुपए कमा लिए। सोनकन सोनकने पंजाबी भाषा की फिल्म है, 10 करोड़ में बनी है, 57 करोड़ रुपए कमा लिए। हृदयम मलयालम भाषा की फिल्म है, 7 करोड़ में बनी है, 53 करोड़ रुपए कमा लिए। जनगण मन मलयालम भाषा की फिल्म है, 20 करोड़ में बनी है, 49 करोड़ रुपए कमा लिए। धर्मवीर फिर से एक मराठी भाषा की फिल्म, बहुत ही बेहतरीन फिल्म है, 7 करोड़ में बनी है और 29 करोड़ रुपए कमा लिए। डीजे टिल्लू तेलुगु भाषा की फिल्म है, 10 करोड़ में बनी है, 21 करोड़ रुपए कमा लिए। कहवत लाल परिवार गुजराती भाषा की ये फिल्म है, 5 करोड़ में बनी है, इसमें जो कमाई हुई है वो कुल 22 करोड़ रुपए की है। फक्त महिलाओं माते गुजराती भाषा की एक और फिल्म, 10 करोड़ में बनी है, 20 करोड़ रुपए कमा लिए। बॉलीवुड का जो बुरा हसर रहा है, जो ऐसी कंडीशन उनकी बन चुकी है कि इनकी फिल्मों का लगातार बॉयकॉट हो रहा था, अब तो लोग ज्यादा बॉयकॉट भी नहीं कर रहे, फिर भी इनकी फिल्में सुपर डुपर फ्लॉप हो रही है। पहले इन लोगों ने बहाना दिया कि भाई कोरोना है, ये है, वो है, दुनिया भर का बहाना इन्होंने दिया, लेकिन वो बहाना काम नहीं कर सका। अब तो सब कुछ खुलेआम चल रहा है, सब कुछ चीजें चल रही है, चाहे यातायात हो चाहे फिल्में हो, सब कुछ चल रहा है। उसके बाद अब बहाना क्या देंगे ये लोग, बहाना कुछ बचा ही नहीं है, बस इनकी फिल्में फ्लॉप हो रही है। तो ये है वो 22 बेहतरीन फिल्में जिन्होंने कम पैसे लगाए लेकिन कमाई जो है वो बम्पर की है, छप्पर फाड़ की है। वहीं पर बॉलीवुड की फिल्में जो है वो कमाई तो छोड़ दीजिए, 50 करोड़ पहुंचते पहुंचते दम तोड़ देती है और बजट इनका होता है 150 करोड़, 200 करोड़, 400 करोड़, 500 करोड़, निकल कर कुछ नहीं आ रहा है। तो ये होती है बेहतरीन फिल्में जो अपने कंटेंट के दम पर पैसे कमा रही है। इनमें से कई फिल्मों का नाम आपने सुना भी नहीं है, लेकिन फिर भी ये फिल्में बेहतरीन प्रदर्शन कर रही है, लोग देख रहे हैं और करोड़ों की कमाई भी कर रही है।